सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हमारे इस चैनल में दैट इज़ सी एस सी कंसेप्ट विद परिणीता, जनरली हम लोग सी एस सी या आई टी रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम टू टाइम आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग द कंटेंट्स लाइक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशन एंड मच मोर यूजफुल कंटेंट, सो दैट आप सबके, अगर आप लोग कंप्यूटर आईटी रिलेटेड बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आपके एजुकेशन और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लाते रहते हैं जो हर किसी को हेल्पफुल हो, राइट? सो आज भी इसी तरह का एक वीडियो हम लोग लेके आए हैं जिसका एम है कि अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक वे कैसे रहेगा। तो गाइस, एक्चुअली देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डू योर जॉब सर्च, राइट? स्पेशली गाइस, अभी जो पीरियड चल रहा है, अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, वी ऑल नो दैट गेटिंग अ गुड जॉब इज रियली अ वेरी टफ टास्क। तो ऐसे में व्हाट आई वांट इज कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, जस्ट बिकॉज उनको उसका अवेयरनेस नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको नहीं पता उन प्लेटफॉर्म्स का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो लोग उसका सही से फ़ायदा नहीं उठा पाते। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बट आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लिंक्डइन। सो गाइज, बिलीव मी, लिंक्डइन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या अगर आप फ्रेशर हैं, आप एज अ फ्रेशर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो लिंक्डइन इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल। बट बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लिंक्डइन यूज़ कैसे करना है, किस तरह से लिंक्डइन के थ्रू आप नया जॉब सर्च कर सकते हो, वो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, राइट? तो उसके लिए ये वीडियो में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको मेरे खुद के प्रोफाइल का हेल्प लेके आपको बताने वाली हूँ कि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, और दो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है वो अगर आप ध्यान में रख के अगर आप जॉब सर्च करोगे तो लिंक्डइन के थ्रू आपको बहुत हाई प्रोफाइल और हाई सैलरी के अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। और लिंक्डइन के अलावा अगर आपको दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में भी आपको जानना है, टू नेम अ फ्यू, वी आर हैविंग Naukri.com, Indeed करके है, Monster.com, इस तरह से बहुत सारे आजकल अपकमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप बहुत ईजिली अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली लव टू मेक वीडियोज़ ऑन देम सो दैट इट कैन हेल्प यू पीपल। सो गाइज, आज देख लेते हैं लिंक्डइन के लिए, अगर आपको लिंक्डइन से जॉब सर्च करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँ, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक केयर इज़ टू बिल्ड अ वेरी गुड प्रोफाइल। आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल होगा, आप समझ सकते हो, देखिए अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो पहली चीज़ क्या करते हो आप, इंटरव्यूअर के सामने आपको आपका रिज्यूमे रखना पड़ता है या सीवी रखना पड़ता है, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि उसी तरह से जैसे वहाँ पे हमें पता है आप रिज्यूमे आपका प्रेजेंट करते हो, तो आपने रिज्यूमे में क्या क्या लिखा है, किस तरह से रिज्यूमे बनाया है, उस पे से आपकी इंप्रेशन क्रिएट होती है और उस पे से इंटरव्यूअर ये कहीं ना कहीं सोचता है कि आपको वो जॉब देनी चाहिए, आप वो जॉब डिज़र्व करते हो या नहीं करते। सिमिलरली, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो होगा, इट विल काइंड ऑफ बी अ रिज्यूमे फॉर यू पीपल। इसी से आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल होगा, उसी से जो रिक्रूटर्स है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे आपके बारे में, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो इम्प्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इम्प्रेशन हो, सो दैट इट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट टू गेट द जॉब, राइट? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बहुत ही इम्प्रेसिव आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। सेकंड, आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करना है। थर्ड, आपको खुद अपने हिसाब से, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से जॉब सर्च करना है, एंड देन यू हैव टू रीच आउट टू द पर्टिकुलर कंपनी और द पर्टिकुलर पीपल यू आर लुकिंग फॉर। तो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक अच्छा इम्प्रेसिव अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है।
तो सम ऑफ द टिप्स आर, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि आप आपके सारे डिटेल्स अच्छे से यहाँ पे फिलअप करो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर डालना है। तो देखिए गाइस, एक्चुअली लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन भी जैसे आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह से लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। बट बहुत सारे लोग इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लिंक्डइन जो है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है, बट इट इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो इधर आप जो भी लिख रहे हो, जो भी अपलोड कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना चाहिए दैट एवरीथिंग शुड बी वेरी प्रोफेशनल एंड प्रॉपर। तो इधर सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर रखना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर आप ट्राई कीजिए कि आप आपका हाफ फोटो रखें, राइट, क्योंकि आप अगर आपका फुल फोटो यहाँ पे रखेंगे तो आपका फेस क्लियरली नहीं दिखेगा। तो आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, उस तरह का आपको स्टैंडर्ड सा हाफ पिक्चर रखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज कोई फोटो है अच्छा सा, आप वो रख सकते हो, इट विल बी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका एक क्लियर डिसेंट सा फोटो रखना है। उसके अलावा यहाँ पे ये कवर पिक है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे आपका कवर पिक अपलोड करना है तो मेक श्योर इट इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है। मतलब कोई अच्छा सा कोट, अगर आप जिस पे भी बिलीव करते हो, रिगार्डिंग हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, रिगार्डिंग योर एम्बिशंस, तो इस तरह का अगर आपको कोई प्रोफेशनल अच्छा कोट या इस तरह का कुछ आप डाल सकते हो या डालना चाहते हो, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ऐसा कुछ आप डाल सकते हो, मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए ऐड प्रोफाइल सेक्शन। तो ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है डालनी। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वो सारी चीज़ें। अबाउट, अबाउट देखिए अभी इधर के साथ साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपको अपना फुल नाम डालना है। आप अभी क्या करते हैं, अगर आप जस्ट फ्रेशर है तो आप आपकी डिग्री लिख सकते हो कि आपने बीटेक क्लियर किया, एमटेक क्लियर किया, मतलब एमटेक कंप्लीट किया, या जो भी आपकी सबसे हाइयर डिग्री है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। या फिर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब, तो यहाँ पर आप करेंटली कौन से पोस्ट में कहाँ काम करते हो वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम इंजीनियर एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो मतलब पहले आपका पोस्ट आ जाएगा कि आप किस पोस्ट पे हो, तो उससे क्या है पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली क्या काम करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट आएगा और फिर आपकी कंपनी का नाम आएगा, करेक्ट। उसके बाद आप प्लेस, कौन से लोकेशन से आप बिलोंग करते हो वो आप लोकेशन यहाँ पे लिखोगे। देन आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो में ये दो चीज़ें देनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फर्स्ट वन इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट अगर कोई भी रिक्रूटर के साथ, कोई भी रिक्रूटर को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो डायरेक्टली आपके वो कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका प्रोफेशनल फ़ोन नंबर होगा, उस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इधर आप एक तो फ़ोन नंबर दे दीजिए अपना, एंड द सेकेंड इज़ ईमेल आईडी, ठीक है। बिकॉज ईमेल आईडी जनरली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी इज़ द बेस्ट। तो आप आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन जो है वो एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे देता है, जो है शो रिक्रूटर्स दैट यू आर ओपन टू वर्क। तो देखिए अगर ऐसा है कि आप बहुत, आप अभी कहीं जगह पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट पास्ड आउट है और आप बहुत स्ट्रांगली जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ जितना जल्दी आपको मिले उतना जल्दी आप चेंज कर देंगे, लाइक एक दो हफ्ते के अंदर, एक आध महीने के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इतना स्ट्रांगली जॉब चेंज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी रिक्रूटर्स अभी है, रिक्रूटर्स मतलब वो सारी कंपनीज या उनके एचआर्स जो अभी रिक्रूट करना चाहते हैं, जो अभी लोग ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनीज के लिए, ठीक है, तो वो सारे रिक्रूटर्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप ओपन टू वर्क हैं और आप अभी जॉब चेंज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है शो रिक्रूटर्स दैट यू आर ओपन टू वर्क। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे गेट स्टार्टेड पे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, टेल अस वॉट काइंड ऑफ वर्क यू आर ओपन टू। तो लिंक्डइन सामने से आपको पूछ रहा है आपका जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, ठीक है, कि आप किस तरह का जॉब चाहते हैं, आप कौन से लोकेशन में जॉब चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे, जैसे मेरा भी सिस्टम इंजीनियर है तो वो सिलेक्ट किया हुआ है। ऐड टाइटल करके आप ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डीबीए डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का चाहिए, तो मैंने डीबीए लिखा, तो देखिए नीचे इस तरह से काफ़ी सारी आ गए हैं। आई गेस मुझे पूरा लिखना चाहिए,
अगर मुझे डेटाबेस रिलेटेड जॉब चाहिए तो मैं डेटाबेस लिखूंगी, तो देखिए नीचे डेटाबेस रिलेटेड कितने जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, कितने सारे पोस्ट अवेलेबल है, वो सब आ गया। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए दैट लेट्स से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पे क्लिक किया और आप देख सकते हो वो ऐड हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो जो पोस्ट पे आपको लगता है आप एलिजिबल है या आप इंटरेस्टेड है वो सारे टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जॉब लोकेशंस, ये मेरा करंट जॉब लोकेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा जो भी आपको नया जॉब चाहिए लाइक पुणे, बेंगलोर या फिर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जॉब लोकेशंस और जॉब टाइटल्स डाल के यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगा है कि आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, तो रिमोट वर्क आप कर सकते हैं या फिर आपको लोकेशन में जाके वर्क करना है वो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट डेट यहाँ पे फिर वो लोग मांगते हैं कि इमिडिएटली आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप कैजुअली, कैजुअली मतलब आप जस्ट देख रहे हैं, अगर कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, वरना मैं ऑलरेडी कोई जॉब कर रही हूँ तो मैं इतना स्ट्रांगली नहीं ढूंढना चाहती, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे दिया है। फिर अगर आप इमिडिएटली जॉब चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे इमिडिएटली क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है जॉब टाइप, तो आप किस तरह का जॉब चाहते हैं, फुल टाइम, अगर आप मेन स्ट्रीम जॉब चाहते हैं अपने लिए तो फुल टाइम जॉब को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं बट आप साइड इनकम के लिए आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है आपको दो चार महीने के लिए कुछ इंटर्नशिप टाइप चाहिए कोई एक सेमेस्टर के लिए तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि पार्ट टाइम मिले तो भी चलेगा, फुल टाइम मिले तो भी चलेगा, तो यू कैन सिलेक्ट ऑन ऑल द ऑप्शंस दैट इज़ फिजिबल फॉर यू, ठीक है। तो आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको ये सब करना है। और देखिए द बेस्ट ऑप्शन इज यहाँ पे है चूज़ हु सीज यू आर ओपन। तो यहाँ पे अगर आप सीरियसली जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी स्पेशली अभी जो पेंडेमिक का पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, आई नो मैनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स और उनको ऐसा है कि जितना जल्दी कोई जॉब मिल जाए उनको ज्वाइन करना है। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे कि ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को आप दिखाना चाहते हैं कि आप लिटरली जॉब सर्च करना चाहते हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐड टू प्रोफाइल कर दीजिए। उससे क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। ओके नो थैंक्स। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, मतलब नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वहीं पे आपको देखिए यहाँ पे हैशटैग दिख गया है ओपन टू वर्क। तो एक्चुअली जो भी रिक्रूटर्स है, काफ़ी सारे कंपनी में भी ये चीज़ होती है कि रिक्रूटर्स काफ़ी बार कोई पोजिशन के लिए ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं जो उनको जल्द से जल्द ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो ये ओपन टू वर्क वाले पब्लिक है या जो ओपन टू वर्क वाले जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनको वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो इन दैट केस आपको जॉब सर्च करने में बहुत इजी रहेगा। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारे रिक्रूटर्स सामने से भी, ये जब भी आप ये ओपन टू वर्क कर देंगे तो बहुत सारे रिक्रूटर्स सामने से भी आपको ढूंढ के आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल फीचर अगर आप लोग इमीडिएट जॉब सर्च करना चाहते हैं। बहुत लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता, इसलिए मुझे ये चीज़ बतानी थी कि अगर आप लोग चाहते हैं जल्द से जल्द आपको जॉब मिल जाए तो ये फीचर आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। और देखिए जैसे यहाँ पे तो हैशटैग ओपन टू वर्क आ ही गया और ये नीचे भी ओपन टू वर्क आ गया। और देखिए मैंने नीचे जो भी सिलेक्ट किया था सिस्टम इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट रोल्स, तो मैंने यहाँ पे दो ही सिलेक्ट किया था, बट आप यहाँ पे 5, 6 या 10 इंटरेस्ट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सो दैट अगर इन पोजिशंस में किसी भी कंपनी में कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा है तो द रिक्रूटर्स कैन डायरेक्टली रीच टू यू। तो यहाँ पे आप सारे आपके जो भी डिटेल्स हैं, जिस तरह का भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अबाउट, देखिए अबाउट में आप इस तरह से इम्प्रेसिव सा कुछ लिख सकते हैं कि आप अगर कोई भी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल एंड ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू अचीव एक्सीलेंस। तो इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में जाए तो उस कंपनी में आप कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, राइट। तो उस तरह से कुछ आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट में। तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ बार बार कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ आप लिंक्डइन को कंफ्यूज मत कीजिए, बिकॉज उसमें तो हम किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन या अबाउट डाल सकते हैं कुछ फनी सा, राइट। बट यहाँ पे मेक श्योर एवरी वर्ड दैट यू राइट इज़ प्रोफेशनल एंड इम्प्रेसिव, ठीक है।
यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि कोई भी आप पोस्ट को फीचर कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे, और ये देखिए बहुत ज़्यादा एरिया में अच्छे से हाईलाइट होता है ये, सो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन योर जॉब सर्च। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, दैट इज़ फाइन बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रांगली लुकिंग फॉर एनी जॉब, बट अगर आप लोग लेट्स से यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे कोडर्स है, ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर आईटी इंजीनियर्स की ही बात करूँ, तो अगर आप अच्छे कोडर्स है, अच्छे प्रोग्रामर्स है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप आपका लिंक्डइन का लिंक, सॉरी आप आपका गिटहब, फॉर एग्जांपल अगर गिटहब में आपने कुछ काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स आपने डाले हुए हैं, तो आप आपका गिटहब का जो लिंक है वो डाल के यहाँ पे आप फीचर्ड कर सकते हो। तो कोई भी रिक्रूटर जब भी आपके प्रोफाइल को देखेगा तो सबसे पहले उसको आपके गिटहब का लिंक दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे एरिया में यहाँ पे दिखा रहा है, और डायरेक्टली वो आपके गिटहब में जाके आपने जो भी अभी तक का काम किया है वो देख सकता है। तो इस तरह से आप अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे अच्छा सा काम कर रहे हो आपके फील्ड के रिलेटेड, सो यू कैन फीचर इट हेयर इन योर प्रोफाइल, सो दैट जो भी आपके प्रोफाइल को विजिट करता है उसके नज़र में सबसे पहले ये चीज़ पड़ती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। उसके अलावा आपको आपका एक्सपीरियंस डालना है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे इसरो में काम किया हुआ है, TCS में काम मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है। तो इस तरह से आपने अब तक अगर कुछ भी इम्प्रेसिव, नो मैटर यहाँ पे आपको जॉब ही डालना है, अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, कुछ भी अगर आपको जो भी लगता है कि आपने कुछ भी वैल्यूएबल और इम्प्रेसिव किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। देन आपको ऑब्वियसली आपका एजुकेशन डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है BTech MTech, आपने जो भी किया हो वो सब आपको यहाँ पे आपकी डिग्रीज डाल देनी है, सो दैट ऑब्वियसली रिक्रूटर्स जब भी रिक्रूट करने आते हैं क्वालिफिकेशन को चाहिए ही होता है, वो आपको डाल देना है। देन सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यू कैन से, दैट इज स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। तो गाइज जैसे ही जब भी आप कोई भी नया लाइक जॉब सर्च करते हो वहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट it is very important for the recruiters to know that what are your skills, right? तो इधर आप आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल जिस तरह से भी जो भी आपके स्किल्स है, जो आपको लगता है कि आप वो चीज़ अच्छे से जानते हो या अच्छे से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। और एंडोर्समेंट्स का मतलब क्या है, देखिए स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स यहाँ पे लिखा है, तो स्किल तो हम समझ सकते हैं कि हमें जो भी आता है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो जो चीज़ें डाली है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कुछ भी देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड डाला है, वेबसाइट डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, SQL, JavaScript, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, Node.js। तो इन शॉर्ट आपको जो भी वो टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कोई लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कोई टूल, लाइक कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे अगर आपको अच्छे से काम आता है वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, आपको टेक्निकली जो भी चीज़ें अच्छे से पता है, आता है, आप उस पर काम करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट? देखिए इंडस्ट्री नॉलेज का अलग से सेक्शन है यहाँ पे, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का अलग से सेक्शन है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपको आती है वो सारी चीज़ें आप अदर यहाँ पे डाल सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल स्किल्स ही डालनी है। इधर देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स या अदर स्किल्स लाइक मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, टीम वर्क, रिटन कम्युनिकेशन, चेस, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इस तरह से ये वाली चीज़ें मैंने अपने लिए डाली हुई है, आप भी आपके लिए डाल सकते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेक्निकल ही डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चेस डाला है, तो यू मे आस्क मी दैट यहाँ पे चेस का क्या मतलब है, अगर हम ये जो प्रोफाइल है लिंक्डइन का प्रोफाइल, ये अगर हम जॉब ढूंढने के लिए या प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए बनाते हैं तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेस डाला है, तो इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम गुड एट प्लेइंग चेस, तो उससे क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं इट इज़ शोइंग दैट आई एम गुड एट लॉजिकल थिंकिंग, राइट? एंड इफ आई एम गुड एट लॉजिकल थिंकिंग आई कैन somehow help out their company in their projects। तो इस तरह से अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अच्छे हो वो भी आप यहाँ पे डालिए, बिकॉज हर एक चीज़ से कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट दिखती है, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जितने स्किल्स है वो सब डालना है, और स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। अब एंडोर्समेंट्स का मतलब क्या है कि आप लोग आपके सारे स्किल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्या होगा कि आपके जो भी कनेक्शंस हैं, व्हाट डू आई मीन बाय कनेक्शंस, तो जैसे फेसबुक में हम फ्रेंड्स बनाते हैं, यहाँ पे हम कनेक्शंस बनाते हैं, मतलब आप जो जिन लोगों को पहचानते हो, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल मेट्स है, कॉलेज मेट्स है, आपके ऑफिस के कलीग्स है, उन सबको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या फिर वो लोग आपको
आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एंड जिसने भी जिसको रिक्वेस्ट भेजा वो जो अदर पार्टी है दे कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। और एक बार एक ने भेजा और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोग कनेक्शंस बन जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि जितने भी स्किल्स, ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्किल्स आपने डाले हैं, स्किल्स तो आपने आपके हिसाब से डाल दिए, ठीक है, अब जो आपके कनेक्शंस में जितने लोग हैं वो लोग आपको एंडोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसने मुझे एंडोर्स किया है, एंडोर्स बाय 3 ऑफ परिणीताज कलीग्स एट TCS, ठीक है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन आके मेरा प्रोफाइल देखता है तो उसको पता चलेगा कि ठीक है, ये वाली स्किल्स सच में इनमें अच्छे से है बिकॉज इन्होंने डाली है और दूसरे लोगों ने इसको एंडोर्स किया है, मतलब दे आर सेइंग दैट यस परिणीता इज रियली गुड एट दीज थिंग्स, ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो भी आपको दिख रहा है ये सारे स्किल्स है, और स्किल्स के बाजू में देखिए SQL के बाजू में आपको दिख रहा होगा 9, HTML के बाजू में दिख रहा होगा 8, CSS 5, PowerPoint 5, तो ये जो 8, 9, 5 ये सब है ना, वो क्या है, एंडोर्समेंट्स है कि उतने लोगों ने आके एंडोर्स किया है। लाइक जैसे SQL 9, दैट मीन्स वॉट, 9 पीपल हैव कम टू माई प्रोफाइल एंड दे हैव एंश्योर्ड दैट येस आई एम रियली गुड एट SQL, got it? So this is how it works. तो LinkedIn में ये वाली चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट रिक्रूटर्स को भी इस चीज़ में लाइक रिक्रूटर्स विल ऑल्सो विजिट योर प्रोफाइल एंड दे विल ऑल्सो इंश्योर दैट ओके सही बात है, आपने ये स्किल्स लिखे हैं और आपको इसमें इंडोर्समेंट्स भी मिले हैं, दैट मीन्स यू मस्ट रियली बी गुड एट दीज थिंग्स। सो ये जो है स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स का सेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज कि पहले एक अच्छा सा प्रोफाइल बना लीजिए, आप आपके सारे स्किल्स जो भी आपको लगता है, इंडस्ट्री नॉलेज, टेक्निकल टूल्स, टेक्नोलॉजीज, इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके सारे स्किल्स यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपके जो भी कनेक्शंस में है ना, आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको बोलिए कि आपके प्रोफाइल को विजिट करें और एंडोर्स करें आपको। देखिए नो डाउट धीरे धीरे आपको एंडोर्समेंट्स ऑटोमेटिकली ही मिलेंगे, मांगने की या किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई एम टेलिंग फॉर द पीपल जो अभी इस पीरियड में स्ट्रांगली दे आर लुकिंग फॉर द जॉब, राइट। अगर आप स्ट्रांगली जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें जल्दी करनी होगी, तो आप पहले अच्छे से प्रोफाइल बना दीजिए, देन टेल योर कलीग्स और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज़ कम टू माई प्रोफाइल एंड इफ यू थिंक दैट आई एम गुड एट दीज स्किल्स प्लीज़ एंडोर्स मी, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। उसके अलावा वी आर हैविंग समथिंग नोन एज रिकमेंडेशंस। अगर आपने पहले कहीं पे जॉब किया हुआ है तो आपके जो कलीग्स हैं उनको आप बोलिए कि वो लोग लिंक्डइन में आके आपको रिकमेंड करें। ये रिकमेंडेशन एक्चुअली क्या है कि कोई भी और इससे ज़्यादा असर कब पड़ता है, जब आपके खुद के कलीग्स, खुद के मैनेजर्स या सीनियर्स ने आपको रिकमेंड किया हो। देखिए जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं TCS में जॉब करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे रिकमेंड किन लोगों ने किया है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट एट TCS या फिर TCS पोर्टफोलियो मैनेजर, तो लाइक मेरे जो सुपरवाइजर्स थे, मैनेजर्स थे, उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है, तो उससे क्या है अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ जिनके अंडर में या जिनके साथ मैंने काम किया है वही लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं और वही लोग बोल रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ गिव्स यू अ श्योरिटी, तो जो भी रिक्रूटर ये चीज़ देखेगा उसको ये श्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये जो भी लाइक जिसका भी प्रोफाइल है ही और शी मस्ट हैव रियली डन गुड वर्क। उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस, आपके कौन से लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो वो आपको लिखना है, दैट्स इट। मेन तो ये स्किल्स, एंडोर्समेंट्स, रिकमेंडेशंस, ये जो दो चार चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रोफाइल में वेट डालता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है और आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना है। उसमें अगर आप स्ट्रांगली अभी अगर जॉब के लिए सर्च करते हैं, यू हैव टू राइट ओपन टू वर्क, ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल आपका बिल्ड हो गया। अब जो लास्ट काम आपका रहता है वो है जॉब ढूंढना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मेन्यू बार में वी आर हैविंग मेनी मेन्यूज, उसमें से ये बीच में माई नेटवर्क के बाजू में वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ जॉब्स, तो जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो ऑल द ओपनिंग्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने जॉब्स पे क्लिक किया विदाउट सर्चिंग एनीथिंग, मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, तो आपने प्रोफाइल में आपके स्किल्स डाले हुए हैं, आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डाले हुए हैं, वो सब के बेसिस पे लिंक्डइन खुद आपके लिए काफ़ी सारे जॉब सिलेक्ट
कर रहा है। तो देखिए, लिंक्डइन ने खुद मुझे ये सारे जॉब्स दिखाए, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेरिटरी इंचार्ज, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जॉब्स ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आप अगर एक बार अच्छे से प्रोफाइल अपना बना लो आपको भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो भी जॉब्स है डायरेक्टली यू कैन अप्लाई टू दीज जॉब्स, ठीक है। कैसे, सिंपली आपको क्लिक करना है, जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स CRM। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पे आपको जॉब का लाइक आपकी स्किल्स क्या क्या है, इधर क्या क्या स्किल्स मांग रहे हैं, ठीक है, ये एसेंचर की तरफ से है। तो एसेंचर में इन्होंने देखिए वर्क लोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट रोल, कौन से स्किल्स या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन से होंगे आपके इस जॉब में, ये सारी चीज़ें दे दी है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, अंदर जितनी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड और दिस जॉब इज़ रियली फॉर यू, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस अप्लाई। जैसे ही इस अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, जो रिक्रूटर है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके नाम के साथ, और फिर वो रिक्रूटर पहला काम क्या करेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा। अगर आपका प्रोफाइल उसको इम्प्रेसिव लगता है, अगर आपके जो क्वालिफिकेशंस है या एक्सपीरियंसेस है वो उसको एलिजिबल लगते हैं, तो देन द रिक्रूटर कैन डायरेक्टली ईमेल यू और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू थ्रू द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने उधर अगर अपना फ़ोन नंबर दिया होगा, ईमेल एड्रेस दिया होगा, उसके थ्रू रिक्रूटर्स आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, तो इतने सारे जॉब ऑप्शंस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट लिंक्डइन। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कंपनी सर्च करनी है, कोई भी स्पेसिफिक रोल के हिसाब से सर्च करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी गूगल में क्या क्या जॉब वैकेंसी अभी है या नहीं है, वो मुझे देखना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल लिखा, तो देख लीजिए गूगल के तरफ से जितने भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सब कुछ मुझे दिख गया, ठीक है। डेवलपर एडवोकेट, गूगल क्लाउड, इस तरह से UX इंटरेक्शन डिज़ाइनर, तो गूगल की तरफ से जितने भी ओपन जॉब्स हैं वो सब हमें यहाँ पे दिख गए। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आप एक चीज़ सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद भी जितने सारे, देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है 3344, सो 3344 जॉब्स यहाँ पे आ गए हैं, नीचे लिस्ट आउट हो गए हैं। तो अब इतने सारे जॉब्स लिस्ट आउट हो जाने के बाद आप आपके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। लेट्स से इधर एक्सपीरियंस लेवल पे मैं गई, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी आप लोगों ने अपना डिग्री कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली आपको एंट्री लेवल जॉब चाहिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, इधर एंट्री लेवल पे आप क्लिक करेंगे और यू विल डू अप्लाई। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, तो देखिए पहले यहाँ पे जॉब था 3344, बट उसमें से बाकी सारे जॉब्स हट गए और सिर्फ एंट्री लेवल वाले 1259 जॉब्स ही अवेलेबल है, गॉट इट। तो इस तरह से देखिए, डेट पोस्टेड, कौन से रिसेंट वाले आपको चाहिए या कभी भी पोस्ट किया हो चलेगा, कौन से कंपनीज़, किस तरह के कंपनीज़, यहाँ पे सारे कंपनीज़ का नाम आ गया है, जॉब टाइप, आपको फुल टाइम चाहिए या इंटर्नशिप टाइप चाहिए, इस तरह से अलग अलग काफ़ी सारे अलग अलग फिल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, यू कैन फिल्टर आउट द जॉब्स, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, या फिर लेट्स से मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल ही मुझे चाहिए, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ अब इसके पहले क्या था, मैंने गूगल सर्च किया था, मतलब गूगल के जितने भी पोस्ट के वैकेंसीज अवेलेबल है वो सारा मुझे मिल गया था। बट अब मैंने क्या सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही काम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख के सर्च किया, तो उससे क्या हुआ कि वो सारे कंपनीज यहाँ पे आ गए जिनका अभी ओपन रिक्रूटमेंट चल रहा है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट, गॉट इट। सो यू कैन सर्च बेस्ड ऑन द पोस्ट यू वॉन्ट टू वर्क फॉर, यू कैन सर्च ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी यू वॉन्ट टू वर्क फॉर। आफ्टर दैट आप फिल्टर आउट कर सकते हो डेट के हिसाब से, एंट्री लेवल के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, जॉब टाइप के हिसाब से, लाइक यू आर हैविंग ऑल द ऑप्शंस आउट देयर। उसके अलावा गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिंक्डइन का, जो मैं लास्ट चीज़ आपको मुझे बतानी है, कि कोई भी अगर कंपनी में अगर आप यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन तो है ही, लिंक्डइन डायरेक्टली देता है, मैंने आपको बता दिया है, एक अप्लाई पे क्लिक करने के
बाद तुरंत कंपनी के पास आपका जो प्रोफाइल है वो चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। बट उसके अलावा लेट्स से आप बहुत स्ट्रांगली जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जितना जल्दी हो सके आपको जॉब चाहिए, और कोई ऐसी कंपनी में ऐसा प्रोफाइल आपको मिल गया है जहाँ पे आपको पता है यू आर कम्प्लीटली फिट फॉर दैट, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया तो मेरा हो ही जाएगा, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ आप उस कंपनी के एचआर को ढूंढिए। और ढूंढने का मतलब क्या है, आजकल कोई भी कंपनी का नाम अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको एचआर का नाम मिलना इज़ वेरी सिंपल, आपको एचआर का नाम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन में आप वो एचआर का नाम सर्च कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली कोई पर्सन को भी सर्च कर सकते हैं, राइट, जनरली जैसे हम कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करते हैं, तो कोई भी एचआर का नाम, लेट्स से एबीसी कोई भी नाम है, तो यू कैन टाइप द नेम हेयर एबीसी व्हाटएवर हूएवर ही और शी इज़, फिर क्या होगा एचआर का प्रोफाइल खुलेगा, यू कैन डायरेक्टली इवन मैसेज द एचआर, बहुत ही अच्छे से पोलाइटली आप मैसेज कर सकते हैं दैट डियर सर और डियर मैम, मैंने आपके कंपनी के प्रोफाइल को देखा, आपके कंपनी में जो रिक्रूटमेंट है उसको देखा, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है, एंड आई थिंक दैट आई एम फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स देयर, एंड आई थिंक दैट एंड आई एम रियली वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है, आप सीरियसली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उनकी कंपनी में उनके साथ काम करने के लिए, वो डायरेक्टली आप एचआर को मैसेज करके भी बता सकते हैं, एंड इफ़ द एचआर इज़ काइंड इनफ तो काफ़ी बार उनके रिप्लाइज भी आते हैं, और हो सकता है वहीं से डायरेक्टली आपको इंटरव्यू कॉल कर लिया जाए और आपको जॉब वहीं से मिल जाए। सो गाइज, दीज आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन लिंक्डइन जो आपको दूसरे किसी प्रोफाइल में, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। सो बिलीव मी, लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, आपको जिस तरह का जॉब चाहिए वो हर तरह का जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई होप ये जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी यहाँ पे, आई थिंक येस आई हैव कम्प्लीटेड माई चेक लिस्ट, आई हैव ऑलमोस्ट टोल्ड यू ऑल द थिंग्स आउट देयर। सो आई होप आपको अब अगर कोई भी जॉब सर्च आप में से लोग कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ यू विथ देम ऑल्सो, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प आउट ऑल सच पीपल हु आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर अ जॉब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन some other video with some new topic again that will be helpful to you. Thank you so much.